इस वक्त बॉर्डर पर विकराल हालात बने हुए हैं और ऐसे हालात में भारत को दुश्मन चीन की हर पल की खबर बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि युद्ध के लिए दुश्मन की जितनी ज्यादा जानकारी होगी तो आपके लिए युद्ध जीतना उतना ही आसान हो जाता है। अब भारत भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है। मोदी ने बकायदा इस मामले में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि जब से भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में तनाव शुरू हुआ तब से ही चीन अपनी शातिर चालें चल रहा है। अब भारत हर मामले में चीन से दो कदम आगे रहने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद अपनी आंख और कान का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने वाला है, और न केवल करने वाला है बल्कि बहुत हद तक कर भी रहा है, क्योंकि चीन से बातचीत फेल हो चुकी है और वो किसी भी वक्त नई घुसपैठ को अंजाम दे सकता है। बकायदा सरहद के करीब मौजूद बेसों पर अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। चीन ने भारत के करीब परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं और सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है। ऐसे में भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने इसरो के जासूसी सैटेलाइट्स को एक्टिवेट कर रखा है। वहीं इसरो और डीआरडीओ से और सैटेलाइट्स को लेकर कहा जा रहा है। बकायदा मोदी सरकार से 6 और जासूसी सैटेलाइट्स की डिमांड रखी गई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले भारत का सबसे बड़ा जासूसी सैटेलाइट GISAT-1 लॉन्चिंग के दौरान अंतरिक्ष में भटक गया था, जो भारत के लिए बड़ा झटका था। वो सैटेलाइट चीन की घुसपैठ से पहले ही पिछले साल मार्च में लॉन्च होना था, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते लॉन्च नहीं हो पाया, और जब लॉन्च किया गया तो अंतरिक्ष में फेल हो गया। और दोस्तों, इस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सैटेलाइट की बेहद जरूरत है, क्योंकि चीनी सेना ने LEC के पार भारी हथियार और तोपखाने के साथ 2 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, चीन के इस साजो सामान को सरहद के करीब ला रहा है। ऐसे में अब भारतीय सेना को चीन पर नजर रखने के लिए आसमानी आंख की जरूरत है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत की क्या तैयारी है, मोदी ने इसरो को अब क्या कुछ करने के लिए कहा है, और फिलहाल चीन पर भारत के कौन से घातक सैटेलाइट तैनात हो चुके हैं। और दोस्तों, स्पाई सैटेलाइट्स के लिए भारत इजराइल के साथ क्या सीक्रेट डील करने वाला है, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। चीन की चालाकी पर नजर रखने का प्लान तैयार। भारत अब अंतरिक्ष में तैनात करेगा ताकतवर जासूस। दुर्गम इलाकों में सैटेलाइट से नजर रखने की तैयारी। चीन के साथ जारी तनाव के बीच चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 6 सैटेलाइट की मांग की है, क्योंकि विकराल होते हालात के बीच इन सैटेलाइटों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। चीन ने बॉर्डर के करीब हथियारों और टैंकों के साथ भारत के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया है, लिहाजा चीनी सेना की भारतीय सीमा के नजदीकी गतिविधियों पर नजर रखने में सैटेलाइट अहम रोल अदा करेंगे। इनसे चीन के भीतर की गतिविधियों पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट की जरूरत है, जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले सेंसरों और कैमरों से लैस हों। हालांकि इस वक्त भी भारत की खुफिया सैटेलाइट्स चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर चीनी फौज के ठिकानों की जानकारी जमा करने में लगे हैं। इन सैटेलाइट्स की खबर से ही चीन के हाथ पांव फूल रहे हैं। फिलहाल लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगने वाली सीमा पर भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तैनाती है। ये इलाका काफी कठिन परिस्थितियों वाला है, उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ सेना की तैनाती काफी नहीं है। इस वजह से इतने बड़े भूभाग पर निगरानी रखना आसान नहीं होता। सैटेलाइट नेटवर्क होने से सभी इलाकों में बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी, साथ ही हमारे पास चीनी सैनिकों की तरफ से अतिक्रमण के हालात में बेहतर रिएक्शन टाइम भी रह सकेगा। माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एजेंसियां दूसरे देशों से भी सैटेलाइट ले सकती हैं। 1999 के करगिल युद्ध के समय में भी इसराइल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाके की तस्वीरें भी भारत को उपलब्ध करवाई थी। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भारत इस मामले में इसराइल के साथ एक तगड़ी डील करने वाला है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इसरो के पास ऐसे कई खास सैटेलाइट हैं जो केवल जासूसी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे चीन और दूसरे दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती है। ये सैटेलाइट्स बकायदा सेना इस्तेमाल कर रही है। इन्हीं सैटेलाइट्स के दम पर भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दोस्तों, इसी साल मार्च में इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला था, लेकिन प्रक्षेपण से पहले किसी तकनीकी खराबी की वजह से इसका लॉन्च टल गया था। इस सैटेलाइट के जरिए देश के किसी भी हिस्से की रियल टाइम तस्वीरें ली जा सकती थी,
बताया जाता है कि ये सैटेलाइट इतना ज्यादा एडवांस था कि अमेरिका रूस जैसे देशों के लिए खतरा बन सकता था। कहा जाता है कि अमेरिका जैसे देशों के दबाव की वजह से इसरो ने इसका प्रक्षेपण टाल दिया था। हालांकि इसके टलने के पीछे तकनीकी खामी बताई जाती है। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है तो भारतीय सीमाओं की चौकसी में काफी मदद मिलती। आमतौर पर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट देश के किसी हिस्से से गुजरने के बाद निश्चित समय के बाद ही दोबारा वहां पहुंचते हैं। लेकिन GSAT-1 पृथ्वी की ऐसी कक्षा में रहता जहां से वो पूरे उपमहाद्वीप पर हमेशा नजर रख सकता। इस सैटेलाइट की यही खासियतें अमेरिका और चीन जैसे देशों को खटकने लगी थी और दबाव बनाकर इसके लॉन्च को रुकवा दिया गया था। हालांकि दोस्तों, भारत इससे पहले ही अंतरिक्ष में किलेबंदी कर चुका है। पिछले साल भारत ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, GSAT-30 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 लॉन्च किया था। तो वहीं इससे पहले इसरो ने RISAT-2, BR-1, COTOSAT-3, RISAT-2B, GSAT-7A, GSAT-6A, COTOSAT-2 समेत कुल 112 लॉन्च किए हैं, जो भारत की रक्षा के लिए दिन रात हाई क्वालिटी तस्वीरें तो भेजते ही हैं, बेहद दुर्गम इलाकों में कम्युनिकेशन के लिए मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, RISAT-2BR-1 सैटेलाइट को आप अंतरिक्ष में मौजूद भारत की आंख और कान भी कह सकते हैं। इसरो ने इसे 2019 में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। अंतरिक्ष में ये अकेला नहीं बल्कि इसकी पूरी की पूरी सीरीज मौजूद है। ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है, चाहे बीच में कितने भी घने बादल क्यों ना हो। ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। ये RISAT-2 सैटेलाइट का आधुनिक वर्जन है। दरअसल 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के बाद शुरुआती RISAT सैटेलाइट की तकनीक में बदलाव किया गया था। इन्हीं हमलों के बाद इस सैटेलाइट के जरिए सीमाओं की निगरानी की गई थी, घुसपैठ पर नजर रखी गई थी। साथ ही आतंक विरोधी कामों में भी ये सैटेलाइट इस्तेमाल में लाई जा रही है। माना जा रहा है कि इसरो इस सैटेलाइट को चीन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की चीन पाकिस्तान पर है नजर। दोस्तों, ये सैटेलाइट पाकिस्तान चीन समेत देश की हर सीमा पर नजर रख रहा है ताकि दुश्मन की हर हलचल का पता चल सके। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान कर लेता है। ये सैटेलाइट भारतीय वैज्ञानिकों और सेना को लाइव तस्वीरें और डेटा उपलब्ध करवा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि पूरी की पूरी LAC की अकेला ही निगरानी कर लेता है। एमीसैट से रखी जा रही है चीन पर नजर। दोस्तों, पिछले साल इसरो और DRDO जासूसी सैटेलाइट एमीसैट जब तिब्बत के ऊपर से गुजरा था, तब चीन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी थी और चीन इससे बुरी तरह से घबरा गया था। लिहाजा इसे अब पूरी तरह से LAC पर डेडिकेट कर दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट कैटिलियर के तहत बनाई एक खास तरह का जासूसी सैटेलाइट है। इसरो का बनाया हुआ ये सैटेलाइट रेडियो संकेतों की निगरानी करता है, जो कि दुश्मन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन के सभी स्रोतों को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमीसैट के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। विशेषज्ञों के मुताबिक एमीसैट इसराइल के प्रसिद्ध जासूसी उपग्रह सरल पर आधारित है। ये दोनों ही सैटेलाइट SSB-2 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ये प्रोटोकॉल भारत जैसे विशाल देश में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। एमीसैट में रेडार की ऊंचाई को नापने वाला डिवाइस लगा है, जिसे DRDO के प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत सिग्नल की जासूसी करना है। इसमें जमीन से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए जमीन पर संचार प्रणालियों, रेडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकले सिग्नल को पकड़ना है। जासूसी उपग्रह एमीसैट जमीन पर मौजूद बर्फीली घाटियों, बारिश, तटीय इलाकों, जंगल और समुद्र की लहरों को बहुत आसानी से नापने की क्षमता रखता है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब सैटेलाइटों को चीन पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल के साथ मोदी कर रहे हैं बड़ी डील। अब चीन और पाकिस्तान की नहीं है खैर। दोस्तों, इसराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, और कुछ ही दिन पहले इसराइल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसराइल ने अंतरिक्ष में अपनी एक ऐसी आंख यानी जासूसी सैटेलाइट को तैनात किया जिसने अंतरिक्ष से ही ईरान में तहलका मचा दिया था। उसका पूरा का पूरा परमाणु प्रोग्राम ही खाक कर दिया था।
इसराइल का जासूसी सैटेलाइट ओफेक 16 ऐसा सैटेलाइट है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है, और इस वक्त इसराइल के ऐसे 16 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। इसराइल की इसी तकनीक की वजह से जब भारत की सरहदों की रखवाली के लिए तीसरी आंख की जरूरत पड़ी थी तो इसराइल ने ही भारत की मदद की थी। भारत सरकार ने 2009 में अपनी तरह का पहला जासूसी उपग्रह RISAT-2 अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था। 300 किलोग्राम वजन का ये उपग्रह भारत की सीमाओं की 24 घंटे निगरानी रखने के लिए भेजा गया था। इसराइल की मदद से डिजाइन किए गए इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके 10 साल बाद 2019 में इसरो ने देश का सबसे ताकतवर जासूसी रक्षा उपग्रह RISAT-2BR-1 को अंतरिक्ष में स्थापित भी कर दिया। यह अंतरिक्ष में 576 किलोमीटर की ऊंचाई से देश की सीमाओं पर नजर रख रहा है। इस सैटेलाइट को बनाने में भी इसराइल की मदद ली गई थी, क्योंकि इस तरह की जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का इसराइल के पास लंबा अनुभव है। इसरो का RISAT-2BR-1 किसी भी मौसम में काम कर सकता है, साथ ही ये बादलों के पार भी तस्वीरें ले सकता है। ये सैटेलाइट तूफानों की भी पल पल की जानकारी दे देता है। भारत अब इसी तरह के बेहद घातक जासूसी सैटेलाइट भेजने वाला है, और इसके लिए भारत इसराइल के साथ डील करने जा रहा है। इस वक्त भारत के विदेश मंत्री इसराइल में हैं, और उनका ये दौरा इस मामले में बेहद खास है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताएं।